हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स, मल्टीप्लाई करनी है फॉलोइंग डेसिमल की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ए, 3.135 मल्टीप्लाई 0.04। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों नंबर्स की। 3135 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 6 12 2 14 1 कैरी, 4 1 5, 4 3 12। हमारे पास आंसर क्या है ये, अब हम इसमें डेसिमल काउंट कर लेंगे। डेसिमल कितने डिजिट के आफ्टर है, यहाँ काउंट कर लीजिएगा 1 2 3। यहाँ कितने हैं 2, 3 2 कितने हो गए 5, तो यहाँ 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, 0.12540 इज योर आंसर। कितने के बाद था 0.235, 1 2 3 4 5, जो आंसर आएगा उसमें ऐड करके पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बी पार्ट डिविन है, 28.79 मल्टीप्लाई 2.06। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28.79 की जब 2.06 से करेंगे हम। पहले करते हैं मल्टीप्लाई, 6 9 54 इज 4 5 कैरी, 6 7 47 इज 7 4 कैरी, 6 8 48 4 52 इज 2 5 कैरी, 6 12 5 17 मल्टीप्लाई 0 0 0 6। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 2 9 18 इज 8, 2 7 14, 1 15 इज 5, 2 8 16, 1 17 इज 7 1 कैरी, 2 2 4 1 5। ऐड कर लेते हैं 4 7 8 2 10 इज 0, 5 7 12 इज 2, 5 7 12 और 1 कैरी 13 इज 3, 7 1 8 और 1 कैरी 9, 5 6, 4 4 7 7 8 2 10 इज 0, 5 7 12 1 13 इज 3, 7 1 8 और 1 9, 5 6। और हमें पॉइंट कितने के बाद लगाने हैं, 2 2 4 के, कितने बाद 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या गया 59.3074 इज योर आंसर। ओके, ऐसी सी पार्ट है हमारे पास, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.89। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स की, 33 की 89 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 27 इज 7, 2 कैरी, 9 3 27 2 29, 8 3 24 इज 4, 2 कैरी, 8 3 24 और 2 26, 7 9 4 13 इज 3, 6 2 8 1 9, 2 29 37। पॉइंट कितने के बाद है, 2 1 2 2 4, 1 2 3 4 पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, एनीबडी एनी प्रॉब्लम? 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट आप सेल्फ करेंगे इसे, सी डी ई एफ जी एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही हम सीखते हैं करना है। पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो आंसर आएगा उससे 3 नंबर की करनी है, जो थर्ड नंबर होगा। ओके, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27। पॉइंट ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज योर आंसर। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 5। अब हम पहले 25 की 5 से करेंगे जो आंसर आएगा उसकी, फिर 25 की 25 से कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जो 25 इज 5, 2 कैरी, 5 2 जो 10 2 12, 2 5 जो 10 इज 0 1 कैरी, 2 2 जो 4 1 2, 625। अब जो आंसर है इसी किससे कर लेते हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट थी कितनी बची है 5, 5 5 जो 25 इज 5, 2 कैरी, 5 2 जो 10 2 12 और 5 6 जो 30 और 1 30 कितना है हमारे पास। अब पॉइंट कितने बाद है, 1 2 3 1 2 3, ऐड कर लेते हैं पॉइंट को, 2 के बाद यहां था और 1 के बाद यहां था, 2 1 3, तो 3 पॉइंट कितने बाद है ला का दिया हमें 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद। सी पार्ट है इसकी हमारे पास, कितना इजी है सी पार्ट देखिएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.0001 ठीक है। अब पॉइंट कितने कितने डिजिट हो गए, 1 2 3, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 1 से करेंगे 1, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के बाद है 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 0। ओके एनीबडी एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, डी पार्ट है हमारे पास 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 0.04 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 2 3 4 1 2 3 4 4 जा 16 16 4 जा 64 1 2 3 4 1 2 3 इज योर आंसर। ओके नाउ डी ई एफ आप कर सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 18.56 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू दिस देन विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई वो निकालना है फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए, 5 का ए पार्ट है 1.856 मल्टीप्लाई 8, आंसर कितना आया था इसमें देख लीजिएगा, जो हमें गिवन है गिवन दिया है 18.56 मल्टीप्लाई 8 इजिकल्स टू 148.48 ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास 148 ये आएगा। अब पॉइंट हमें शिफ्ट करना है, पॉइंट कितने भी डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट बाद पॉइंट शिफ्ट कर दें 1 2 3 ठीक है। ऐसे इसमें बी पार्ट गिवन है हमें 1856 मल्टीप्लाई 0.8, आंसर क्या आना है, आंसर तो सेम ही है 1 4 8 4 8, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट शिफ्ट करना है 1 की डिजिट के आफ्टर यहाँ है, 1 डिजिट के आफ्टर यहाँ, 1 1 2 डिजिट आफ्टर, पॉइंट का लगा देंगे हम 2 डिजिट आफ्टर। ओके सी पार्ट ऐसी हमारे पास, सी पार्ट की बिन है 18.56 मल्टीप्लाई बाय 80, मल्टीप्लाई क्या आएगी इसकी, यही आएगी 148480। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, 2 डिजिट के, 1 2 पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर दी, इज योर आंसर। ओके थैंक यू स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन हैव कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख वीडियो में डाल देंगे, 3 क्वेश्चन रह गए हमारे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना वर्क कर सकते हैं आप ठीक है बेटा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके okay?